हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो है हमारी मी बैंड 3 के ऊपर। तो मी बैंड 3 को फाइनली एक नया अपडेट देखने को मिल गया है, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ और आई थिंक आपको पसंद आएगी। तो लाइक कर देना और मैं आपको बताऊंगा अपडेट करने के बाद कि आपको क्या क्या नए फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो अपडेट करने के लिए सिंपली आपको एक दो चीज करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में और वहां पे मी फिट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। तो मी फिट एप्लीकेशन को जैसे ही आप अपडेट करेंगे उसके बाद ही आप अपने जो मी बैंड 3 है उसको अपडेट कर पाएंगे, वरना उसको ऐप से आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मी बैंड एप्लीकेशन में यहाँ पे चलते हैं मी फिट में और मैं यहाँ पे अपडेट में लगा देता हूँ और आपको यहाँ पे अपडेट दिख जाएगी 14.16 MB की। तो लास्ट अपडेटेड आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर को है। और यहाँ पे मी बैंड 3 में आपको क्या मिलता है, वी फिक्स्ड नोन बग्स और उसके अलावा एक दो नए आपको एनिमेशन टाइप के देखने को मिलेंगे कुछ चेंजेस में। तो यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या आपको नया इसमें मी बैंड 3 में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे ये रिस्ट बैंड वाली स्ट्रैप वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और अगर आपको बाय भी करना है तो बेस्ट बाय लिंक का भी आपको दे दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी लगा रखा है, तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि उससे काफी अच्छे हर तरीके से आपकी स्क्रीन बची रहती है, वरना स्क्रैच से तो भर जाएगी, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो जाता है फिर मैं आपको यहाँ पे पूरा फंक्शन दिखाता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस अपडेट नए अपडेट में। तो यहाँ देख सकते हैं ये हो गया है अपडेट, तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये सिंक करेगा तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट होने के लिए 2 मिनट वेट करिए, आपको ब्लूटूथ भी अपना ऑन करके रखना है यहाँ पे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका ब्लूटूथ ऑन हो और आपकी वॉच भी आपके पास में हो, तभी यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा। और थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है आपका थोड़ा टाइम लगे, तो उसके लिए भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप सिंकिंग डाटा हो गया है 10%, 11%। तो यहाँ पे जैसे ही ये होगा उसके बाद ही आपका यहाँ पे अपडेट आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे अपडेट करना है। तो सिंकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% हो गई है और नए आपका इस तरीके का नया लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो मी फिट एप्लीकेशन का है, जो हमको पहले नहीं देखने को मिला था। तो ये चीज तो बिल्कुल नई आपको यहाँ पे देखने को इसमें मिलती है। तो चलिए हम चलते हैं प्रोफाइल में और यहाँ पे देख लेते हैं मी बैंड 3। और जैसे ही आप प्रोफाइल में जाएंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेमवेयर अपडेट, अपडेटिंग फ्रेमवेयर, और यहाँ पे आपको वॉच के भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तुरंत ही अपडेट होने लगेगा आपका और आप सिंपली इसको अपडेट कर सकते हो। तो इसमें और कोई चीज आपको नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा आपका नेट ऑन हो और ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो और वॉच आपकी पास में हो। अगर दूर हुई तो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका अपडेटिंग में भी खराबी हो जाएगी, उससे हो सकता है आपका अपडेट ना हो सही से। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा कि आप सही से इसको अपडेट करें और अपना फोन पास में रखें। तो इस प्रोसेस को मैं अभी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ और आपको पूरा अपडेट होने के बाद दिखाऊंगा कि क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस अपडेट में। जब आपका एक बार फ्रेमवेयर अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा अपडेटिंग रिसोर्सेस, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ये चीज फ्रेमवेयर अपडेट के बाद आपको ये शो करने लगेगा। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और जैसे ही ये अपडेट होता है उसके बाद मैं आपको पूरे फीचर्स यहाँ पे दिखाता हूँ क्या नया आपको देखने को मिलता है और किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सक्सेसफुली अपडेट हो गया, आप देख सकते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली और मेरा पूरा फुल लेटेस्ट वर्जन जो भी है उसमें आ गया है। तो फ्रेमवेयर आप देख सकते हैं 1.8.00 आपको यहाँ पे दिखाएगा और अगर आपको चेक करना है फ्रेमवेयर में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा है और अपडेट के बाद आपका कौन सा होगा। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कुछ चेक फॉर अपडेट तो आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं, तो करंट वर्जन यहाँ पे दिखाएगा कि आपका है। तो जैसे ही देख लेते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे फोन साइड में रखता हूँ और आपको वॉच में दिखाता हूँ कि क्या नया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टैप करते ही आपको तो सबसे पहले जो होम स्क्रीन है वो आ जाएगी, स्टेप्स आपको एज यूजल, हार्ट रेट और ये वेदर नई चीज देख सकते हैं। जो वेदर में आपका यहाँ पे होता था लोगो वो पहले सिंपली ऊपर आता था, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे वेदर दिखाई देता था, तो यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपका लोगो के साथ यहाँ पे वेदर इन्फो और नीचे आपको डिग्री थोड़ा दिखाएगा कि 33 से 14 और यहाँ पे रियल टाइम 18 डिग्री करंट का यहाँ पे दिखाएगा।
उसके बाद टोमोरो में भी आपको यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफिक्स के चेंज देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऊपर चलें तो एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे चेंज मिल जाएगा। एक्सरसाइज में आप पहले देखते थे जो आपका था डंबल उठा के आपको दिखाता था, अब सिंपली यहाँ पे हाथ अपना उठा रहा है, तो आप यानी डंबल नहीं कर रहे हैं और सिंपली हाथ उठा के यहाँ पे चल रहे हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली और कोई फंक्शन यहाँ पे आपका नहीं है, सिंपली उसी तरीके से जैसे वर्क करता था वैसे ही है, बस आपको यहाँ पे एनिमेशन चेंज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन वैसे ही है। मोर में जाएंगे तो स्टॉप वॉच और फाइंड साइलेंट का ऑप्शन और स्क्रीन और अबाउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्रीन में भी चलें तो वही तीन आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, कोई नई आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं मिलता है। एक चीज और बात करें तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव काफी हो गई है, काफी ज्यादा स्नैपी हो गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपका इस टाइम रिस्पॉन्स वर्क कर रहा है। ब्राइटनेस में भी कोई चेंज नहीं है, आपको अभी भी बाहर जाएंगे तो कम ही ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखा जाए तो ऑल ओवर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आप अपडेट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और सिंपली आपको बस प्ले स्टोर में जाना है और अपडेट करना है, यार उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिंक चाहोगे तो लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।